मैंने एक कमरी टैब पर पोस्ट डाला था यूट्यूब पर कि आप लोग एज ए कॉलेज स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा और उसमें बहुत सारे चीज़ें आप लोगों ने पूछा कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या चूज़ करा है, टॉप 5 चैलेंजेस, 5 चैलेंजेस क्या आप लोग फेस कर रहे हैं उनको चूज़ करा मैंने। उनको हम क्या करेंगे आज इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और उनके सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इजी होगा राइट, और बट सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे आपको, और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, कुछ जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। तो 5 प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है बहुतों तो को ये समझ में ना आए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, मे भी आपको समझ में ना आए, मैं समझाता हूँ। मान लो आप रहते हो ए जगह पर, आपका कॉलेज है बी जगह पर, आप क्या करते हैं ए से बी जाते हैं डेली और वापस आते हैं, 1 आवर जाने का, 1 आवर वापस आने का, डेली 2 आवर्स आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। डेली 2 घंटा आपका क्या होता है, खराब होता है। हालांकि इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बट नॉट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं। ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था और इसको रियलाइज करके तुरंत मैंने वो चेंज कर दिया, क्या लोकेशन जहां मैं रहता था। मैं समझाता हूँ आपको। आप एज ए कॉलेज स्टूडेंट हमेशा क्या करिए, अगर आपका घर है फिर तो भाई क्या करना, आप जैसे आप बस में जाते हो राइट, कॉलेज बस ले लो बढ़िया रहेगा, थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, बट कॉलेज बस थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान होगा आपके लिए, एक स्केड्यूल बनेगा और उसमें आप बस में थोड़ा सा पढ़ना का या फिर आजकल सुन सकते हो राइट, वीडियोस देख सकते हो। पढ़ना थोड़ा सा आँख खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ लेटर्स, रोड हालांकि अच्छे हो गए अब, तो हमारे टाइम तो बहुत खराब थे, अब तो रोड काफ़ी अच्छे हो रहे हैं रोड राइट। उसमें आप पढ़ सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रेवल आप क्या करते हैं, थोड़ा रिविजन कर सकते हैं, आप कुछ और काम कर सकते हैं जो आपको आपके लिए प्रोडक्टिव हो, ताकि वो 2 घंटा आपका क्या हो जाए, 2 या 2.5 घंटा जो भी है आपका क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, मतलब यूटिलाइज हो जाए तरीके से। ये केसेस जो होता है, घर जो होता है पास में 1-2 घंटा डिस्टेंस में, वो बहुत कम होता है, 5 से 10%। मेजोरिटी ऑफ द केसेस क्या होता है, कॉलेज, मान लो कॉलेज कभी शहर में नहीं होता है, सिटी में कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज होते हैं शहर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉलेज के आसपास भी होते हैं जगह जहां पर रहने का आपका घर मिल जाता है, रूम मिल जाता है, लोग क्या करते हैं 10 किलोमीटर दूर सिटी में रहते हैं और डेली अप डाउन करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा मुझे को लगता है टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, आपको कॉलेज के आसपास रहना चाहिए मेरे हिसाब से, 1-2 किलोमीटर के अंदर। उससे क्या हो जाएगा, डेली आपका टाइम सेव हो जाएगा, कितना डेली 2 घंटा सेव होगा। अगर डेली 2 घंटा सेव होता है, 4 साल में कितने घंटे सेव हो जाएंगे, अगर आपका 200 दिन कॉलेज लगता है, 200 से 250 कॉलेज, 200 दिन से 250 मैक्सिमम 250 कॉलेज दिन कॉलेज लगे, 200 लगा लो बिकॉज छुट्टियां बहुत हैं, 250 लगा लो, अब 200 250 कॉलेज लेंगे, तो मतलब डेली आप 2 घंटा बचा रहे हो, मतलब एक साल में 500 घंटा, मतलब लगभग आपका 5 20 दिन बचता है, एक साल में लगभग 20 दिन बच रहे हैं आपके टाइमिंग, और 4 साल में 20 इन 4 80 दिन बचता है, मतलब लगभग 3 महीना आपका, 2.5 से 3 महीना लगभग क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा 4 साल में, अगर सिर्फ एक छोटा सा स्टेप आप लेते हो राइट। अब क्या करना है, हाँ बोलोगे सर शहर में अच्छा रहता है घूमने फिरने का, भाई घूमने तो ना गए हो यार, पढ़ने गए हो तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घूमना फिरना बाद में कर लेना, जॉब लग जाएगी, या फिर वीकेंड में बाहर चले जाना, मैंने बोला था सोलो ट्रैवल करने के लिए एक वीडियो में, तो घूमने चला जाओ वीकेंड में राइट, क्या दिक्कत उसमें, सोलो ट्रैवल करो, सीखना सीखने को मिलेगा। ये डेली ट्रैवलिंग में आपका थकान भी होगा, टाइम भी खराब होगा और रिस्क भी है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, रिस्क फैक्टर तो रहता ही है राइट। तो रिस्क कम हो जाएगा आपका, टाइम का बच जाएगा, पैसे ही बचेंगे, थोड़ा पैसे ही बच जाएगा, शहर में ज़्यादा खर्चा होता है आसपास, कॉलेज के आसपास इतना बड़ा शहर होता नहीं है तो कम खर्चे होंगे राइट। ये मेरा आपको सजेशन है और मैंने ये करा है, आई हैव डन दिस राइट, दैट इज आई एम टेलिंग यू, और इससे मुझे फायदा बहुत मिला है। कॉलेज के टाइम में तो नहीं कर पाया बिकॉज वो मेरे को पता नहीं था इसके बारे में अच्छे से, जब प्रोफेशनल बना तब मुझे पता लगा भाई टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कॉलेज में क्या होता है, आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ाते हो तो आपका अलग एनर्जी लेवल चाहिए होता है बॉडी में, सुस्त होकर पढ़ा नहीं सकते हो, फिर कोई नहीं पढ़ेगा आपसे, आपको पूरा पहले एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको थकान नहीं होना चाहिए बॉडी में, तो पढ़ाओ कैसे यार, कौन पढ़ेगा आपसे। जैसे मान लो आपको चाहता हूँ
सुना बच्चों, आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। कौन सुनेगा? भाग जाओगे 2 सेकंड में, मुझे पता है। कॉलेज में क्या होगा? भाग दो नहीं पाओगे कॉलेज में, ऑनलाइन में भाग जाओगे। कॉलेज में क्या हो, सो जाएगा बच्चा, ऐसे करेगा। जैसे बहुत सारे क्लासेस में होते हैं ना, टीचर आते हैं पढ़ा रहे हैं, टीचर बच्चे पीछे आधे सो गए, नींद आ जाता है बहुत सारे क्लास में। ऐसा हुआ है ना, होता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मुझे पता नहीं आपके साथ होता नहीं होता है। तो वो नींद से जगाने के लिए बच्चों को, मतलब नींद ना आए स्टूडेंट को, तो आपको ऐसे खुद को पहले एक्टिव रखना है। उसके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, इवन जॉब करने जाओगे तो इसको अच्छे से समझना। आप चलते हैं दी, ये तो बता दिया जो आपका क्या पॉइंट था, आपका जो फर्स्ट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, बीच में मैं भी बताऊंगा, सारे बताऊंगा कि करके डिस्ट्रक्शन, ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली स्टूडेंट के लिए। डिस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ से होता है आपको बता देता हूँ, राइट। एक होता है आपका जो आपके जो कलीग हैं, मतलब बोल सकते हो फ्रेंड्स का डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे गलत संगत में पढ़ते हैं, पहला। दूसरा होता है आपका लव अफेयर, राइट। लव हो गया, सेक्स हो गया, या फिर मूवीज हो गए, राइट, या फिर पॉलिटिक्स हो गया, राइट, और क्या है, वेब सीरीज हो गया, ये सारे डिस्ट्रक्शन है आपका, राइट। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये मूवीज, वेब सीरीज हो सकता है देख लेना आप, राइट, बाद में देख लेना पढ़ने के बाद, भाग तो नहीं जाएंगे, डिजिटल एरा है। और ये सब तो पॉलिटिक्स वगैरह आपके लिए नहीं है खास, मैं एक आपको बताऊंगा, एक मंत्र जो मैं फॉलो करता हूं मैं आपको बताऊंगा। और ये लव सेक्स बाद में आता रहेगा, अभी के लिए नहीं है। लव अभी है, किससे करो, अपने पापा मम्मी से करो, बिकॉज उन्होंने आपको दिखाया दुनिया, पैसे आपको दे रहे हैं, राइट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। सो आप उनको प्यार करो, भाई बहन से प्यार करो, और किससे प्यार करने की जरूरत नहीं है आपको, इन्हीं से ही प्यार करोगे, टाइम नहीं बचेगा, राइट। तो ये तो आपको बताऊंगा, ये वाला चीज रह गया है, फ्रेंड्स हो गया, ये हो गया आपका। दूसरा डिस्ट्रक्शन क्या हो गया आपका, जो आप बोलोगे आसपास का होता है कि मुझे बहुत सारे चीज़ों का डिस्ट्रक्शन क्या क्या आ रहा है, बट ये मेन डिस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स का, राइट। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, दूसरों को देख के वही कॉपी करना, मतलब कॉपी करने वाला डिस्ट्रक्शन, कॉपी करने वाला बीमारी, कि दूसरा कैसे कपड़ा पहन रहा वही कपड़ा मुझे चाहिए, फिर घर वालों के ऊपर प्रेशर डालते हो, गलत कर रहे हो दोस्त। एक कॉपी करना बीमारी से हट जाओ, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुश रहना है जो आपके पास है। आपके पास अभी जो है करोड़ों लोगों के पास भारत में ही नहीं है, तो आप खुशकिस्मत हो आपके पास वो चीज है। तो जो चीज नहीं है उसके लिए रो मत, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो है उससे खुश रहो और उसी को यूटिलाइज करो ताकि आप बेटर कर पाओ, राइट। मैं आपको फाइनेंस में एक बार बताऊंगा, जो किसी भी यूट्यूब वीडियो वालों ने किसी ने बताया नहीं आज तक, दैट आई गारंटेड फाइनेंस में बताऊंगा, बिकॉज हमेशा ऐसा ही बात होता है, मैं हमेशा कुछ अलग बताता हूँ जो अक्सर किसी भी चैनल पर किसी भी जगह पर होता नहीं है, बिकॉज वो मेरा एक्सपीरियंस से होता है, राइट। कॉपी करना बीमारी का डिस्ट्रक्शन होता है। फ्रेंड्स, साथी से, देखो फ्रेंड्स होना जरूरी है मुझे पता है, बट अच्छे फ्रेंड बहुत कम होते हैं जो आपको आपके बुरे टाइम में काम आए, राइट। ऐसे अगर एक दो मिल गए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बात है, मैक्सिमम 2-3 मिलेंगे आपको लाइफ में, वो भी बहुत लोग मिलते भी नहीं है, राइट। तो रियल फ्रेंड्स आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड होता है। बातें सबसे करो, लेकिन इतना ज्यादा अटैच किसी हद तक मत हो जाओ। आप प्रोफेशनल कोर्स करने गए हो तो आप थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ, माइंडसेट होना चाहिए कि आप किस लिए गए हो, वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए हो, अच्छे जॉब करना है, या फिर अच्छे बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर आगे और पढ़ाई करना है, दैट इज अप टू यू, बिकॉज ए पर्सनल चॉइस होता है। मेरा ओपिनियन क्या होता है, मैं जॉब करने कभी ना जाऊं, अगर जाऊं भी तो 1-2 साल के लिए, तो ओनली फॉर सेल्फ डिसिप्लिन पर्पस, ओनली फॉर नोइंग हाउ मच एफर्ट आई शुड पुट टू गेट दैट मच मनी, सो दैट आई विल बी डिसिप्लिन इवन आफ्टर मेकिंग सो मच मनी, मेरा नियत खराब ना हो, इसलिए जॉब करना जरूरी है, मुझे पता है। इसलिए जो बड़े बड़े अमीर के बच्चे आप सुनते होंगे, जो बाहर पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, पिज्जा डिलीवरी करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए, उनको पता है ये एक्सपीरियंस आगे उनके काम आने वाला है, बिकॉज उनको पता होगा पैसे का अहमियत क्या है, पैसे का वैल्यू क्या है, राइट। इसे जॉब करना जरूरी है, बट आई डोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू डू जॉब, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में जो एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है उससे डबल कमाते हैं जो भाजी बेचते हैं। अब बोलो गाड़ी नहीं भाजी वालों के पास, गाड़ी है भाई, घर है उनका, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, मतलब
नथिंग अगेंस्ट सब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल द पीपल जो जॉब कर रहे हैं, मैं इनको रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। वो तो भाई सेट हो गए, अब वो छोड़ के स्टार्ट करने लगे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फॉर यू इट इज मच इजियर। अभी रिसेंट स्टोरी सुन रहा था एक दिन पहले, एक कंपनी है जैप्टो करके, राइट, उसने क्या करा, उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरा डिलीवरी वाला जो ग्रोसरी डिलीवरी के मार्केट को। पता है कि इन्होंने किसने बनाया, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं पढ़े भाई, स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट है, राइट। उन्होंने $60 मिलियन अभी रेज करा है और टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी 200+ मिलियन हो चुका है। 1 मिलियन मतलब कितना, 700 करोड़, 200 मिलियन मतलब कितना हो गया, लगभग आपका 1500 करोड़ के आसपास हो गया। दो बच्चे 1500 करोड़ कितने साल में, 2 साल में, वैल्यूएशन है, पैसा नहीं इतना, इट इज जस्ट बिगिनिंग। तो ऐसा कुछ सोचो यार, सिम बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, हमेशा एक बात याद रखना, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो तो आपके लिए कोई भी चीज, खास करके रोजगार वाला प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। और प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट जिसका होता है उसका रिलेशनशिप भी काफी अच्छा होता है, बिकॉज उसको पता है हाउ टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम। खाली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, कलीग के साथ रिलेशनशिप, पापा मम्मी के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, एक दुकानदार में, दुकानदार से जो सामान लाते उसके साथ रिलेशनशिप, बिकॉज उसको पता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज हर जगह पर प्रॉब्लम तो आएगा, चाहे कुछ भी करो वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, राइट। तो खाली प्रोफेशनल चीज में जो सीखते हैं, खाली प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आता है, वो काम आता है आपका रियल लाइफ में भी। ये चीज आपको दिमाग में भर लेना चाहिए अब से, है ना, ठीक है। अब चलते हैं, फ्रेंड्स की बात कर लिया मैंने, ये पॉलिटिक्स की बात, हाउ आई लुक इन टू दिस, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर, बिकॉज मेरा काम ही है एनालिस्ट का, मेरा एनालिसिस करना मेरा काम है, ये आप मत करना, बिकॉज दिस इज माय जॉब टू डू एनालिसिस बेसिकली, राइट। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट 90% जो लोग खास करके सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, उनको पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता है, हवा हवाई या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के शिकार हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, बिकॉज वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पर। फॉर एग्जांपल, मान लो एक न्यूज आया सोर्स ए से, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं इसके बारे में वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, और आप जो पढ़ रहे हो फिल्टर 4 पर पढ़ रहे हो। तो अगर 1 लाख मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप तक पहुंचता है 10 लाख, इतना मैनिपुलेशन होता है, That's right. खाली एजुकेशन में बचा हुआ है, बिकॉज किताब सबके पास है, सब पढ़ लेंगे, बिकॉज सब पढ़ते हैं, बिकॉज मजबूरी है सबका, ये सब लाइफ में बहुत कुछ घपला है, कुछ घपला ऐसे हैं, लोग भाग जाते हैं डर के मारे। मतलब देखोगे आप, कहीं मान लो फंस गया बंदा जबरदस्त, तो वो टॉपिक चेंज कर देगा, देखते ना टीवी शोज में, भाई आपने चोरी करा, अरे उसने भी तो चोरी करा, भाई वो छोड़ यार, तूने चोरी करा बताना उसके बारे में, वो नहीं बोलेगा, वो किसी और के बारे में बताएगा, राइट। अब क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बस आसपास देखना है क्या सिचुएशन है, और जो चीज आपको पता लग रहा है आप देख पा रहे हो, बस किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने दिमाग भर के रखो, अपने घर वालों को बताओ, अच्छे समझा दो, बस खत्म कहानी, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबका ओपिनियन अलग है। कुछ गधे ऐसे हैं, क्या बताऊं आपको, पढ़े लिखे गधे बोलता हूं उनको, समझ में आता नहीं है उनको, बस क्या चाहिए भाई, फ्री में पैसा मिल जाए उनको, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा भाई, मतलब टॉप टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे जब बातें करते हैं मुझे तो गुस्सा आता है, क्या बताऊं, वो तो काफी क्लोज फ्रेंड, ऐसे बोलता हूं तुम्हारे को क्या चीज पता है, चेयर में बैठो और पैसे लो, और ऐसा मिलेगा नहीं, ना मिलना चाहिए, ऐसा मिलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। वेनेजुएला के बारे में कभी पढ़ लेना, उसके बारे में क्यों देश बर्बाद हुआ, मतलब लगभग बर्बाद ही हो गया वेनेजुएला, पढ़ना उसके बारे में पता लगेगा। जो एफर्ट का पैसा लो ना, बट एफर्ट, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप एफर्ट का, एफर्ट जो करते हो ना उसके बारे में समझो, कितना एफर्ट डालोगे और कितना पैसा आएगा, इसलिए छोटे नौकरी करना बहुत जरूरी है, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आपको पता लगेगा भी पैसे का अहमियत क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे कितना एफर्ट डालने से आता है ये पता लगता है, राइट।
आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट राइट, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया इसके बारे में. सो डिस्ट्रक्शन से बचने का सिंपल तरीका क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग द बेसिक और फंडामेंटल थिंग अबाउट एनीथिंग. अगर आप फंडामेंटल थिंग को समझते हो किसी चीज़ के बारे में तो आपको डिस्ट्रक्ट कभी नहीं होंगे. अगर फंडामेंटल समझ नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रक्शन आपके आस आएगा ही आएगा. कुछ भी लाइफ में करने जाओगे प्रॉब्लम तो आएगा. अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे. थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितना बड़ा है, राइट. अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तीन और चीज़ रह गया आपका, तीन में से इम्पॉर्टेंट है एक, वो क्या आपका टाइम मैनेजमेंट. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बच्चों का, खास करके स्टूडेंट्स के वेरी बिग प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है. तो आप बहुत से बोलते हैं सर स्केड्यूल बना रहे हैं, टॉपर्स का स्केड्यूल क्या होता है, सुबह उठ के पढ़ो. भाई टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक सुबह उठ के पढ़ा ही नहीं. अब मैं आपका रिजल्ट मैं अपना बता देता हूँ. 6 बार ब्रांच टॉप करा, लगभग कॉलेज टॉप भी करा और काफ़ी अच्छा मेरा एजुकेशन में परफॉर्मेंस रहा है छोटे से ही. एक अगर छोड़ दें प्लस टू का छोड़ तो, राइट. मैं सुबह उठ कभी नहीं पढ़ा. एक बार पापा उठाए थे, बस नींद आ रहा था मेरे को. तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं किसी ने पता है बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ आप कितना ज़्यादा कन्विक्शन कितना आपके अंदर है पढ़ाई को लेके, कि मुझे क्या मेरा टारगेट है इस सब्जेक्ट को लेके, कितने मार्क्स लेना है, क्या सीखना है इस सब्जेक्ट से. तो अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग एक डिजायर है कुछ बड़ा करने का, फिर ये टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट से पहले भी क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बीटेक पढ़ाई क्यों कर रहा हूं मैं, जो भी पढ़ रहा हूं क्यों पढ़ रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रीजन क्या चाहिए आपको पढ़ के, और उस रीजन को आपके आसपास चिपका दो. फिर देखना टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज आप फिर टाइम ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक टाइम निकलेगा पढ़ने के लिए. बिकॉज आपके सिर पे वो होगा ना, भाई मेरा टारगेट तो ये, फालतू चीज में क्यों टाइम खराब कर रहा हूं मैं. ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट जो आपका मेन रीजन है जिसके लिए गए हो कॉलेज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और जिस दिन उस वो चीज हावी हो गया आपके दिमाग में ना, जिस दिन उसका चस्का लग गया, ये बाकी जो नशा होता है ना, मतलब कोई भी नशा, सिगरेट, दारू, ये लव सेक्स, राइट, बाकी पॉलिटिक्स में जानना, ये सब नशा बकवास लगेगा आपको. यू विल थिंक ओ क्या है बकवास कर रहा हूं मैं, राइट. ये भी नशा ही है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं. हालांकि नशा का कैटेगरी होता है, ये नशा सबसे डेंजरस नशा, इससे भी और एक डेंजरस नहीं बोलूंगा, खतरनाक बोलूंगा, जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है अच्छे डायरेक्शन में. और एक नशा है जिसमें आपका जिंदगी और अच्छे डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वो क्या है, मेडिटेशन. बट वो नशा को एंजॉय करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस है उसको समझना. इतना आसान होता सारे मेडिटेट करते और सारे का सब कुछ बन जाते, भगवान बुद्ध सारे बन जाते, राइट. थोड़ा डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट. चलिए अब चलते हैं अच्छे टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा. आपको समझना होगा कि भाई लाइफ में मुझे करना क्या है और उसको लेके आगे बढ़ना है आपको. तो मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट या स्केड्यूल पे बिलीव नहीं करता कि 2 घंटा पढ़ लिया रिवीजन करा, उसमें बिलीव नहीं करता. बिकॉज आपका अगर माइंडसेट ही है मुझे कुछ बड़ा करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, बाकी सब कुछ हो जाएगा. आपका माइंडसेट बना हुआ है कि भाई मेरे को अच्छा खाना बनाना है, तो क्या डालना है पहले क्या बाद में डालना है, ये ऑटोमेटिक आपके पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि मुझे एक अच्छा रेसिपी बनाना है, सबसे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. और किसके लिए बनाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट. यहाँ तो आपके लिए कर रहे हो, नौकरी चाहिए आपको, बढ़िया. चलिए फाइनेंस की बात करते हैं. देखिए कॉलेज टाइम में बहुत सारे बच्चे पैसे कमाना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट प्रॉब्लम क्या है, 99% इवन मोर देन दैट, 99.5% बोलूंगा या फिर 99.9% लोग पैसे कमा नहीं पाते. रीजन क्या है, वो फंडामेंटल चीज को समझ नहीं पाते. पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, और नॉलेज को इंप्लीमेंट करके लोगों को फायदा पहुंचाना का आपके पास तजुर्बा चाहिए होता है.
लोग तजुर्बा लेना नहीं चाहते और फालतू सर्च करे जा रहे हैं, डेटा एंट्री से पैसे कमाओ, SMS भेज के पैसे कमाओ, जहां से पैसा आता नहीं है। तो फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया, आप स्किल पर मास्टर गेन करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। या फिर अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, जो प्रॉब्लम मार्केट में उसको सॉल्व कर दो, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। पैसे लगाने वाले बहुत हैं, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो फंडामेंटल चीजें क्लियर होना चाहिए। अब पैसे कमाने के लिए मैं और एक बताता हूं जरिया, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी को समझना है। राइट, अपॉर्चुनिटी को समझना है। हर 5-10 साल में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आते हैं और बीच में छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी भी आते हैं। मेरे साथ लाइफ में आया है और मैं उन अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब भी करा हुआ है। राइट, जो भी आजकल हूं बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सीखता रहा, अपॉर्चुनिटी आया, ग्रैब करा फटाक से और वहां से जितना हो सकता है निचोड़ लिया। राइट, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी का वेट करना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वो स्किल नॉलेज आपके पास होना, वो रिसोर्सेज आपके पास होना, तभी आप क्या कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से ग्रैब कर सकते हो। राइट, तो अपॉर्चुनिटी क्या क्या है बता देता हूं। 1998-99 में .com डोमेन नेम का अपॉर्चुनिटी आया था। 2005 में ब्लॉगिंग का अपॉर्चुनिटी आया था। 2010 तक चला उसका, जो बन गए, बाद में बहुत मुश्किल हुआ लोगों को पैसे कमाना, अब भी कमाते हैं लोग, बट अपॉर्चुनिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा क्यों था, बिकॉज बहुत कम लोग थे भाई। 2014 में इंडिया में क्या आया, YouTube का अपॉर्चुनिटी आया, जो पैसे कमा लिए, बैग भर करके पैसे कमा रहे हैं, अब भी पहले भी कमाए और आगे भी कमाएंगे, जो बन गए, अब बनना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, आप भी बन सकते हैं, बट जो बन गए पहले जो था ही ना। सो यहाँ पर एक आता है, जैक मा ने एक बार बताया था एक इंटरव्यू में, क्या बताया था, जैक मा को नहीं जानते, फिर पता नहीं, जरूरत मैं बताऊंगा नहीं, पता होना चाहिए आपको। राइट, अभी उनका हालत इतना अच्छा नहीं है, बट इज ए ग्रेट गाय, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, ही हैज डन ट्रेमेंडस थिंग्स इन द वर्ल्ड। राइट, तो यूट्यूब पर उन्होंने क्या बोला, पहले बताया था उन्होंने, बोला कि बी द फर्स्ट नॉट द बेस्ट। तो यूट्यूब पर मान लो कोई चीज था नहीं, मान लो 10th क्लास का लेक्चर था नहीं, जो पहले आके पढ़ा दिया, पैसे कमा लिया ना, दवाई कमाया। 12th का क्लास मान लो था नहीं, पहले मान लो पढ़ा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमा रहे हैं साल के, बिकॉज उन्होंने मार्केट को ग्रैब कर लिया पहले। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, प्रोफेशनल है भाई, एथिकल है, अनएथिकल थोड़ा है। राइट, तो आपको ऐसे करना है। राइट, इसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ने क्या करा, बोर्ड पर पढ़ाया, अब लोगों ने क्या कर दिया, डिजिटल बोर्ड ले आया, चलो भाई ये भी एक अच्छा है, बी द फर्स्ट। उससे क्या होगा, उससे आप एक ऑथोरिटी बन जाओगे, लोगों को मजा और आएगा, अरे डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ऐसे वाला चीज नहीं। मतलब आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो चीज़ नया आ रहा है टाइम के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, सो इट विल हेल्प अ लॉट। राइट, सो यूट्यूब से बहुत लोगों ने पैसे कमाए, बैक वर्क करके अभी कमा रहे हैं बहुत से लोग, आपको पता भी नहीं होगा। राइट, इंडिया में बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका साल के इनकम 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ शायद हो सकता है, 100 करोड़ ज़्यादा बोल दिया, 50 करोड़ तो है बहुत सारे लोगों का इनकम, 100 करोड़ उनका है जिनके पास नंबर ऑफ पीपल, मतलब अकेला काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, हालांकि कोई अकेला काम नहीं कर सकता इतना, बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो 100 करोड़ भी उनका इनकम है एक साल का। जॉब में कितना कमाता है बंदा, टॉप ऑफिसर है, 5 करोड़ कमाएगा पूरे लाइफ टाइम, एक साल में 100 करोड़, सारे नहीं कमा रहे बट कमा तो रहे ना। तो अपॉर्चुनिटी आया था कब, 2014 में, अपॉर्चुनिटी 2014 के आसपास और एक आया था इंडिया में, अभी भी है वो, स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटी, लोगों ने 1000 करोड़ कमाए हैं, अब भी कमा रहे हैं। स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटी अभी भी इंडिया में 2030 तक रहेगा अपॉर्चुनिटी, आप ग्रैब कर सकते हैं, अभी तो बहुत जोर शोर से अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप का, आप ग्रैब कर सकते हैं इसको। अच्छा, 2020 या 21 और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो क्या, ब्लॉकचेन का अपॉर्चुनिटी, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जॉब परस्पेक्टिव बोलोगे 2025 तक क्या अपॉर्चुनिटी है, डेटा एनालिटिक्स, AI, डेटा साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसर्च, ये बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज सारी कंट्रीज को क्लीन एनर्जी चाहिए। राइट, तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। राइट, सो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, आगे भी आएगा, लेकिन ग्रैब आपको करना है। ग्रैब कैसे करोगे, उस चीज के बारे में, फंडामेंटल चीजों को कवर करके। रिस्क हर चीज में है, मैं बात कर रहा हूं कि इसमें रिस्क नहीं, छत गिर गया तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, रिस्क हर जगह है। चलो जी आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओवर थिंकिंग। भाई ज्यादा मैं सोचता हूं क्या होगा जी मेरा,
सब गड़बड़ हो गया। उस दोस्त का नौकरी लग गया, IIT में पढ़ रहा है वो, मैं क्या करूँगा, मेरे तो कुछ नहीं है, छोटा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी नहीं है। घर वाले मेरे को डांटते हैं, सारे बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा तेरा, तो ये पढ़ लेना, क्या प्रूव देम रॉन्ग, कैसे होगा ये, कड़ी मेहनत से और फंडामेंटल चीज़ों को क्लियर करके। दो चीज़ आपको चाहिए, हार्ड वर्क। अब बहुत से बोलेंगे सर स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करने के बाद ही होता है, यही याद रखना। स्मार्ट वर्क ही नहीं भाई सस्ती चीज़ में निपट गया ना, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क करने के बाद ही स्मार्ट वर्क होता है एक्चुअली में। बिकॉज स्मार्ट वर्क वही कर पाता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वही स्मार्ट वर्क कर पाता है, रियल स्मार्ट वर्क। कुछ कॉपी पेस्ट वाले होते हैं, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दिया, उसको फॉलो कर लिए, तो आपने थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करा, नहीं करा आपने, मैंने आपको बताया ये करने के लिए, वो मेरा स्मार्ट वर्क था, आपने कॉपी करा, राइट। तो हार्ड वर्क प्लस क्या है आपका जो बोला मैंने, फंडामेंटल चीज़ों को क्लियर करना है, राइट। फंडामेंटल अगर क्लियर है आपका, फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का, एक बंदे का उंगली कट गया, उसको अगर पता ही है उंगली कट गया तो दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसका ओवर थिंकिंग नहीं होगा। जिसको पता नहीं हो, हाय भाई क्या होगा, हे मेरा उंगली कट गया, मतलब क्या उसको पता नहीं उंगली कटे मत क्या कैसे ठीक होता है। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, अगर क्लियर नहीं किसी से क्लियर करो, पता करो कोई प्रॉब्लम है उसका, एक्सपर्ट से पूछो भाई इसमें क्या होगा। फंडामेंटल क्लियर करो और हार्ड वर्क करो, फिर आप ओवर थिंकिंग से बिल्कुल आगे हो जाओगे, फिर एक अच्छा पर्सन बन के आप उभरोगे, विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली मेम्बर्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर फ्रेंड्स, फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो ये था बेसिकली आज के सेशन में, इतना ही था। आगे हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम आ रहा है किसी टॉपिक के रिलेटेड, लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, as always, bye-bye.